करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पानी पर उबाल है, पूरा बवाल है। दिल्ली वाले बूंद बूंद के लिए तरसने पर मजबूर हैं और सियासी दल आरोपों का खेल खेल रहे हैं। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जल संकट को लेकर सड़कों पर हैं। बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेर रही है तो कांग्रेस दिल्ली के साथ केंद्र सरकार पर भी हल्ला बोल रही है। अब जल संकट पर घिरी दिल्ली सरकार ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। दिल्ली के मंत्री आतिशी की बुलाई बैठक में जल बोर्ड और शहरी विकास के अधिकारी शामिल हैं, लेकिन नतीजा क्या है? अभी फिलहाल ढाक के तीन पार। ये जो टैंकर्स आप देख रहे हैं, ये ऐसा प्रतीत होगा कि तारों का ये जाल है, लेकिन ऐसा है नहीं। सब लोग अपने अपने ये जो पानी के पाइप्स हैं वो लेकर पहुंच गए हैं। टैंकर बकायदा रुकता है तो इंतजार तक नहीं, टैंकर पर ही लोग चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत देर के बाद उनके इलाके में टैंकर आया है और कब अगला आएगा ये उन्हें नहीं मालूम। पानी के लिए जूझने पर मजबूर दिल्ली की जनता, दिल्लीवासी। लेकिन उम्मीद उनसे होती है कि सरकार को चुना है तो कुछ उनको सहूलियत मिलेगी और पानी जैसी जो बेसिक चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं, पानी के बिना लोग जाए कहां, इसको लेकर यह संकट है। देखिए, ये कांग्रेस के प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस इस वक्त सड़कों पर है, प्रदर्शन जहां पर कर रही है सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली में लगातार जिस तरीके से पानी का क्राइसिस पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ है, उसको लेकर के एक तरफ जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आक्रामक है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है वो मैदान में उतर चुकी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। इस वक्त दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के अंदर प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो आतिश जल मंत्री है उनके खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है वो एकाएक हर जगह पर प्रदर्शन कर रही है। सीधे तौर पर एक हफ्ते पहले तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो एक साथ दिल्ली का चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज जो है वो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में 6 महीने पीछे विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस अब सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो महिलाएं हैं वो, इनको मैं तो कहूंगा कि वो किस तरीके से मटका लेकर के यहाँ पर पहुंची है, चाहे वो दिल्ली का गोविंदपुरी इलाका हो, चाहे वो इसके अलावा बात की जाए यूसुफ सराय, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं और महिलाएं हैं वो यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन जो है वो कर रही है। और दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बातचीत की है आज तक के संवाददाता से, आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। पानी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस आज सड़कों पर है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र यादव है, मटका फोड़ प्रदर्शन आप कर रहे हैं, पिछले हफ्ते तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ थे, आज अलग अलग। देखिए, आज दिल्ली की जनता पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रही है। हम लगातार केजरीवाल की सरकार को, केंद्र सरकार को ये आगाह करते रहे हैं कि पानी की सुचारू व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन लगातार नजरअंदाज करते हुए आज कई दिनों से जब हमारी जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, हमें सड़कों पर आना पड़ा है और कहीं ना कहीं इन सरकारों को ये सजग करने के लिए, उनको जगाने के लिए हमने आज यहाँ पर मटका फोड़ प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। आज पूरी दिल्ली में लगभग 280 जगह पर हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सरकार की नींद टूटेगी, जो पानी की व्यवस्था है उसका व्यवस्था करेगी और लोगों के तक पानी पहुंचने का काम होगा। हरियाणा से पानी नहीं आता, आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि बीजेपी पानी रोकती है, टैंकर माफिया पूरी तरह से दिल्ली में हावी हुआ पड़ा है। देखिए, ये नूरा कुश्ती खेलने का काम चल रहा है। हमने समय समय पर ये बात रखी है और बताया है कि किस तरीके से, चाहे वो हिमाचल से पानी आना हो या हरियाणा से पानी आना, यूपी से पानी आना हो, अगर इस तरीके की परेशानी थी तो केंद्र सरकार तक पहुंचना चाहिए था, उसको शामिल करना चाहिए था वार्ता में, और जो जनता आज भुगत रही है शायद वो भुगतना नहीं पड़ता। अगर समय रहते ये जाग जाते, वार्ता करते और समस्या का समाधान ढूंढते, लेकिन कहीं ना कहीं इन सरकारों की मंशा ठीक नहीं है। हम लगातार कहते रहे हैं कि टैंकर माफिया हावी है, लगभग 58% पानी की लीकेज है, ये सभी समस्याएं अगर ये समय रहते देखा जाता तो शायद जनता को त्राहिमान त्राहिमान नहीं करना पड़ता।